हो गया है, हम टीप पी रहे हैं। लो आपकी चाय, ये इंदिरा मैडम चाय लीजिए। कल दिन भर बारिश, दिन भर बारिश हुई है। कुछ बारिश की वजह से कपड़े भी नहीं सूखते, अजीब टाइप से हो जाता है, बाइयाँ भी नहीं आती। पर कल देर से आई इंदिरा मैडम। कल मैंने आप लोगों को रक्षा के बारे में बताया, जैसे वो तो किसी नाम मतलब पहचान के मोहताज नहीं है। आज इतनी बड़ी वो नाम है यूट्यूब में, तो उन्होंने कैसे स्ट्रगल करके अपना एक नाम बनाया है, रक्षा की रसोई नाम, आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। तो वही मैंने बताया, उन्होंने ही मतलब ऐसा बताया, बोला था कि जो छोटे यूट्यूबर है वो मेरे नाम से वीडियो बना सकते हैं। तो मैंने उनका एक वीडियो बनाया। सभी छोटे यूट्यूबर को ऐसा लगता है कि हम कब, हमारा चैनल कब ग्रो होगा। जैसे मुझे भी साल भर हो गया बनाते हुए वीडियो, तो मुझे भी लगता है मैं भी भले कितना ही हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेट होते हैं, परंतु एक कहीं पे डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि अरे यार एक साल हो गया वीडियो बनाते बनाते, पर हमारा वीडियो क्यों वायरल नहीं हो रहा है। मेहनत भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करती हूँ। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत भी लगता है, जैसे कि फ़ैन, इतनी गर्मी में फ़ैन चालू नहीं कर सकते, फ़ैन बंद करके ही रखना पड़ता है वॉइस ओवर करते समय, नहीं तो फ़ैन की आवाज़ बहुत तेज आती है, ये सब करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब वीडियो बनाने में मेहनत तो है। खाना भी बनाते हैं तो बार बार कैमरा लगाना पड़ता है, ये डायरेक्शन में, फिर उस डायरेक्शन में, ऐसा पूरा डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है। तो एक बार डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई क्यों क्यों चैनल नहीं ग्रो हो रहा है करके। पर ये लक के ऊपर भी रहता है, किसी किसी का चैनल एक महीने में ही ग्रो हो जाता है, दो महीने में ही ग्रो हो जाता है, किसी को साल भर, किसी को दो साल, मुझे लगेगा टाइम शायद मेरा चैनल में कुछ कमी होगी इसलिए ग्रो नहीं हो पा रहा है। एनीवेज आज कल एकादशी का फास्ट था, आप लोगों को बताई आज है, कल सोमवार भी था, आज मंगलवार है। अभी मैं नहा वगैरह ली हूँ, अभी मैं पूजा करूँगी। चलिए फिर पूजा करते हैं। अभी बारिश रुकी है परंतु बहुत ज़्यादा अभी भी नमी है, बहुत ज़्यादा। तो बाहर का व्यू अच्छी हूँ, यहाँ पर तो कल इतनी बारिश हुई है कि कपड़े तो सुखा ही नहीं सकते बाहर, सब यहाँ पर ही सुखाना पड़ा है कपड़े घर के अंदर फैन चालू करके। अभी बाहर का मैं मौसम दिखाती हूँ। ये है रखिया बरी की सब्जी, आज घर में आलू और रखिया बरी की सब्जी बनी है, आंटी ने बनाया, बहुत टेस्टी बनाए थे। और ये रोटी को चाय बना के बोलते हैं वो, तो रखिया बरी और आलू की सब्जी और पूरी बना था, बहुत टेस्टी था। अभी इंदिरा आई हुई है, अभी हम लोग बैठ करके चाय नाश्ता और कप सप कर रहे हैं। लो आपकी चाय, ये किसकी? इंदिरा मैडम चाय लीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी आंटी बना रही है ओट्स चीला, अभी मैं बनाऊंगी दलिया, मीठा वाला दलिया बनाऊंगी। उसके लिए मैं थोड़ी बादाम काट लेती हूँ। हाँ बेटा, हाँ, ओट्स चीला बना रहे हैं। गोल गोल रानी
इत्ता इत्ता पानी मस्त गोल गोल चीला बना रहे दद्दा। इसमें निकल जाता है, नॉन स्टिक नहीं है तो? तो नॉन स्टिक में बनाना था ना, है ना तवा? वही तो शांति नहीं रखती। उतरो उतरो, बस इतना। अभी मैं बनाऊंगी मीठा दलिया गुड़ वाला, तो उसके लिए मैंने बादाम कतरन करी, गुड़ कतरन करी और किशमिश रख। देखिए ये मैंने गुड़ और ये बादाम। अब मैं बनाती हूँ दलिया। मैं बोली दलिया बनाती तो घर में दलिया ही नहीं था, फिर कुछ तो भी मीठा खाने की इच्छा हो रही थी, तो फिर मैंने आटे का और उसमें थोड़ा बेसन मिला करके हलवा सीरा बना लिया। तो ये मैंने पहले तो बादाम और किशमिश को डाल ली, अच्छे से सेक ली, उसके बाद आटा और बेसन भी मिलाई और उसके बाद बहुत अच्छे से सेकी हूँ, बिल्कुल लाल होते तक। जब तक अच्छे से सिकाएगा नहीं तो हलवे का मज़ा आता ही नहीं। फिर ये बहुत अच्छे से, मैं तो ये आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, बाकी टाइम लगता है सेकने में। बहुत अच्छे से सीम पहले फूल फिर सीम आँच में ऐसे करके मैंने बहुत अच्छे से सेका है। जब ये बिल्कुल अच्छे से सिका जाए उसके बाद मैंने उसमें गुड़ मिला दिया है, और आप इलायची पाउडर वगैरह भी मिला सकते हैं तो और टेस्ट बढ़ जाता है। कलर येलो कलर लाना है तो केसर मिला सकते हैं या येलो कलर मिला सकते हैं, इस टाइप से। मैं तो सिंपल ही बनाई हूँ। तो ये देखिए मैं बहुत अच्छे से भून रही हूँ, चलाते जाना है चलाते जाना है, चलाते ही जाना है चम्मच। अब ये मैंने गुड़ जो बारीक बारीक काट करके रखी वो मिला दी हूँ। अब इसको भी अच्छे से चलाते जाना है चलाते जाना है, गुड़ भी अच्छे से मिल्ट हो जाए तब तक के इसको अच्छे से, गुड़ भी पिघल जाएगा। और ऐसा भी जमा भी सकते हैं, हम लोगों में गुजराती में सुखड़ी बोलते हैं, इसको जमा देते हैं और बर्फी टाइप काट लेते हैं, ऐसा भी बहुत टेस्टी लगता है। पर मैं थोड़े से पानी के छींटे मार करके इसको थोड़ा हलवा टाइप बनाई हूँ। देखिए इस टाइप से गुड़ पूरा मेल्ट हो जाएगा। ये पानी के थोड़े छींटे मारी में जिससे पूरा हलवा टाइप हो जाएगा अच्छे से। दो कटोरी मैंने सर्व कर लिया। बेटा